तुम तो बहुत सीधी हो कुसुम, और तुम्हारी बीबी तुम्हें नचाती रहती है, और ऊपर से समय का कुछ हिसाब है ही नहीं महारानी को, और उधार कितना बार बार मांगती रहती है। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कुसुम, तुम लोग दो प्राणी हो, एक तुम और एक मिश्रा जी घर में, और उसको पगार कितना देते हो? 3,000 पगार देते हो। क्या जरूरत है इतना पगार देने के लिए? अभी काम हुआ नहीं हुआ क्या करने का? तूने उसको सिर के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है, और उसको देख देख कर सब महारानियां मोहल्ले की सिर पे चढ़ गई हैं, क्या करें? और इतना इतना पगार मांगती है, कहाँ से देगा इतना इतना पगार? मेरे को तो समझ ही नहीं आती, काम हुआ नहीं हुआ क्या फर्क है? अभी हम बहुएं वाले हैं, बहुएं घर में हैं, काम निपटा लेंगी ना आप पे, हम बैठे हैं इधर। नहीं 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 ना 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 ना, कभी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। हमारे टाइम में हम लोग ऐसे नहीं थे, पर आजकल की बहुएं देखो ऐसी हैं कि हर एक काम के लिए अलग अलग नौकर चाकर चाहिए उनको, अलग अलग नौकर चाकर रखेंगी ये लोग, इतनी सियानी है। कुसुम मेरा दिल बहुत जलता है, कुछ होता है दिल में बहुत जलता है सड़ता है तेरा, पर क्या करूं मैं, ये बेटों को देख कर ना इस घर में बैठी हुई। अच्छा अरे मैं तो सच्ची रियली कुछ भी हूं, मैं तो कुसुम तेरे साथ गप्पे मारने बैठ गई, मैं आई किस काम के लिए थी, मैं तो भूल ही गई, मैं चीनी मांगने आई थी, चीनी हमारे घर में खत्म हो गई है, थोड़ी मेरे को चीनी दे दे। थैंक यू, बाय बाय।